मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने ब्रह्मांड को समझने में अपनी भूमिका निभाई, इसके रहस्य लोगों तक पहुंचाए और इस पर किए गए शोध में मैं अपना योगदान दे पाया। मुझे गर्व होता है जब लोगों की भीड़ मेरे काम को जानना चाहती है। ये शब्द थे स्टीफन विलियम हॉकिंग के, जो कि एक महान भौतिक वैज्ञानिक, अंतरिक्ष ब्रह्मांड वैज्ञानिक थे। उन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझने में अहम भूमिका निभाई। स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था। उनके पिता फ्रैंक और उनकी माता का नाम इसाबेल हॉकिंग था। उनके पिता ने आयुर्विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की थी और वो चाहते थे कि स्टीफन विलियम हॉकिंग डॉक्टर बने, लेकिन स्टीफन का रुझान गणित की तरफ था। लेकिन उन दिनों गणित विषय ना होने की वजह से उन्होंने फिजिक्स यानी कि भौतिक विषय को अपने करियर के रूप में चुना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके माता पिता ऑक्सफोर्ड में आकर बस गए और यहीं पर स्टीफन की शिक्षा की शुरुआत हुई। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड से अपनी शिक्षा पूरी की और उसके बाद आगे की शिक्षा ट्रिनिटी हॉल कैम्ब्रिज से स्टार्ट की। वे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में गणित और सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर रहे। स्टीफन हॉकिंग की गिनती आइंस्टीन के बाद बड़े भौतिक शास्त्रियों में होती है। स्टीफन हॉकिंग के पास 12 मानद डिग्रियां थीं। उन्हें अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया था। स्टीफन धार्मिक विश्वासों के विरोधी रहे हैं, यानी कि वो भगवानों के प्रति रुचि नहीं रखते थे। उनका कहना था कि भगवान नहीं होते हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि धर्म और विज्ञान के बीच एक बुनियादी अंतर है। धर्म जहाँ आस्था और विश्वास पर टिका है, वहीं विज्ञान ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रैक्टिकल और रीजन पर चलता है। हम सभी जो चाहें उस पर विश्वास करने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरा मानना है कि कोई भगवान नहीं है, किसी ने हमारे ब्रह्मांड को नहीं बनाया और कोई भी हमारे भाग्य को निर्देशन नहीं करता। हॉकिंग ने 2 बार शादी की थी। पहली पत्नी जेन विल्ड थी, जिनसे ग्रेजुएशन के दौरान ही हॉकिंग ने शादी की थी। ये 30 साल तक एक साथ रहे। 1995 में इनका तलाक हो गया। इसके बाद हॉकिंग ने एलन मैसन से शादी की। हॉकिंग ने कहा था कि मानव जाति का लंबा भविष्य अंतरिक्ष में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि अगले 200 साल तक मानव जीवित रहा और अंतरिक्ष में रहना सीख लिया तो भी हमारा भविष्य उज्जवल होगा। 21 वर्ष की उम्र में हॉकिंग मोटर न्यूरॉन बीमारी से ग्रसित हो गए, जिसके बाद डॉक्टरों का मानना था कि वे मात्र 2 साल तक ही जीवित रह सकते हैं। पर स्टीफन की इच्छा शक्ति इतनी अधिक थी कि उन्होंने हार नहीं मानी। इस बीमारी के कारण हॉकिंग पर लकवा का अटैक हुआ और वे व्हीलचेयर पर निर्भर हो गए। इसके बाद अपने एक हाथ की बस कुछ अंगुलियों को ही भी हिला सकते थे। इस कारण वे हर चीज के लिए दूसरे पर या फिर टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से आश्रित हो गए। और फिर हॉकिंग ने स्पीच सिंथेसाइजर का उपयोग किया, जिसे कंप्यूटराइज आवाज में अमेरिकी एक्सेंट के साथ भी बोल पाते थे। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा, जितना संभव हो सकता है मैं सामान्य जीवन जीने की कोशिश करता हूँ और अपनी स्थिति के बारे में नहीं सोचता। हॉकिंग की बीमारी धीमी गति से बढ़ी और उन्हें 50 से अधिक साल जीने को मिला। बीमारी को नकार भी पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज गए और अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद सबसे शानदार और प्रतिभाशाली भौतिकविद हो गए। स्टीफन हॉकिंग एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कुछ ऐसे काम किए जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। स्टीफन हॉकिंग ने ब्रह्मांड के रहस्यों को लेकर एक पुस्तक लिखी, जो थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये पुस्तक उनकी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक थी और 20 सालों में इस पुस्तक की 10 मिलियन से ज़्यादा प्रतियां बिकी। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि कोई काम छोटा नहीं होता, बल्कि काम ही आपको जीने का मकसद देता है। अगर किसी आदमी की जिंदगी में काम नहीं होता तो उसकी ज़िंदगी में जीने का कोई मकसद नहीं होता। पर अफसोस, ये महान वैज्ञानिक 14 मार्च 2018 को हम सभी को अलविदा कहकर चले गए। लेकिन वह अपने पीछे इतना कुछ छोड़ के गए हैं कि दुनिया उन्हें सदियों तक याद रखेगी। उनके द्वारा बनाए गए ब्रह्मांड के रहस्य दुनिया हमेशा याद रखेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।